हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की अपडेट के लिए, जी हां, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की एक एक अपडेट आप तक पहुंचाई जाएगी जब तक एडमिशन नहीं हो जाएगा। काउंसलिंग की डेट, अभी तो फॉर्म की डेट चल रही है, 27 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म की। बहुत से स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि फॉर्म की डेट अभी लास्ट तो नहीं है, फॉर्म अप्लाई वगैरह नहीं हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा, कहीं डेट तो ख़त्म तो नहीं हो गई। तो फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 27 सितम्बर है। 27 सितम्बर फॉर्म की लास्ट डेट है। इसके बाद पिछली साल भी लगभग 15 दिन लगा था मेरे लिस्ट आने में, 12 से 15 दिन। तो इस बार मान के चलिए कि वही लगेगा, 10 से 15 दिन लगेगा मेरे लिस्ट आने में। तो 27 तारीख की जैसे काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, मान लीजिए 30 तारीख तक चलेगा, हो सकता है 1-2 दिन एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि पिछली साल तो नहीं हुआ था, लेकिन उसके पिछली साल 1-2-3 दिन का शायद एक्सटेंड टाइम मिला था जो है, तो एक्सटेंड भी हो सकता है। लेकिन एक्सटेंड वगैरह का इंतजार ना करिए, डेट प्रोसीड हो, आगे हो, आप फॉर्म को आराम से भर दीजिए। जिन स्टूडेंट का फॉर्म फिल करते टाइम दिक्कत हो रहा है, वो दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप पेमेंट नहीं किए हुए हैं तो रजिस्ट्रेशन आप फिर से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप मोबाइल नंबर चेंज करके रजिस्ट्रेशन आप फिर से कर सकते हैं, दूसरे मोबाइल नंबर से, दूसरे जीमेल आईडी से आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहाँ आपका पासवर्ड वगैरह आ जाएगा, फिर से आप डॉक्यूमेंट वही अपलोड करिए और फिर से पेमेंट कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन में कोई जो है दिक्कत नहीं आएगी और फीस पेमेंट हो जाएगा। फीस पेमेंट होगा 1500 रुपये, तभी आपका फॉर्म जो है कम्प्लीट माना जाएगा। अगर फीस पेमेंट नहीं होता है, हाँ, अगर फीस पेमेंट नहीं होता है, उन्होंने साफ साफ लिख दिया है, अगर फीस पेमेंट नहीं होता है तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म माना नहीं जाएगा। और बहुत से स्टूडेंट को डाउट्स भी है, और जो भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। कुछ कॉमन डाउट्स हैं उसको हम आइए वीडियो में लेते हैं, क्योंकि वो डाउट्स आपके भी हैं। स्कॉलरशिप से रिलेटेड डाउट सॉल्व हो गया, स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है अभी आएगा तो आप जो है भर देंगे। अभी इसकी काउंसलिंग चल रही है, तब तक स्कॉलरशिप का फॉर्म आ जाएगा, तो स्कॉलरशिप से रिलेटेड सॉर्ट आउट हो गया है। इसके बाद एडमिशन किन स्टूडेंट का होगा ये भी पूछ रहे हैं। तो एडमिशन देखिए, पिछले साल सीटें खाली गई थी, तो 40% भी आपके हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। 40% अगर आपके हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो वाले स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई करेंगे, मैथ वाले भी करेंगे, बायो वाले भी करेंगे, तो अगर आपके 40% हैं फिर भी आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 40% हैं, आराम से आपको गवर्नमेंट कॉलेज कोई ना कोई वहाँ पे सीट मिल जाएगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको जो है DMLT मिलेगा, इसके बाद एक्सरे मिलेगा अगर आपके नंबर कम हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सीट मिल जाएगी, ठीक ठाक कोर्स मिल जाएंगे, जैसे फिजियोथेरेपी हो गया, ऑप्टोमेट्री हो गया, और इमरजेंसी ट्रामा हो गया, डायलिसिस हो गया, कार्डियो हो गया, ये ठीक ठाक कोर्स है, ऐसी बात नहीं है, ये अच्छे कोर्स हैं। और प्लास्टर हो गया, ये भी ठीक कोर्स है, तो ये कोर्स आपको मिल जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज में। तो हॉस्टल से रिलेटेड मामला सॉर्ट आउट हो गया। हॉस्टल 3 जगह है, जहाँ तक हमको पता है 3 जगह हॉस्टल है, एक UPMS में है, एक गवर्नमेंट मेडिकल कन्नौज में है, इसके बाद तीसरा जो है वो सहारनपुर में है। तो हॉस्टल से रिलेटेड भी मामला सॉर्ट आउट हो गया। और आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, डॉक्यूमेंट अगर आपका निवास प्रमाण पत्र मान लीजिए नहीं है, कोई स्टूडेंट कमेंट किया हुआ कि निवास प्रमाण पत्र हमारा नहीं है, तो 2 कंडीशन में आपको यूपी से सीट मिलेगी। यूपी से 2 कंडीशन में सीट मिलती है, एक तो आप यहाँ की निवासी होने चाहिए, मतलब आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरे कंडीशन में, ये दूसरा कंडीशन ये कहता है कि आप यहाँ से हाई स्कूल इंटर उत्तीर्ण हो तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। दोनों में से अगर आप एक भी यहाँ से होंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर किसी का निवास वगैरह नहीं बना हुआ, पुराना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन निवास पुराना ही चल जाता, 3 साल तक चलता, बस आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 के अंदर की होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट मेनली है आपकी जो है कैटेगरी से सीट उठाने के लिए, EWS और OBC के लिए मेनली ये बात कही गई है, हम SC के लिए बात नहीं कर रहे हैं। SC वाला पुराना भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, SC में बार बार नहीं बनता, लेकिन EWS OBC के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, OBC के बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं। तो OBC में मेनली आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के अंदर का होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल 4 अप्रैल इधर का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको जो है OBC से सीट मिलेगी, नहीं तो आपको जो है सीट OBC से नहीं मिलेगी, ये आप समझिए। अगर EWS लगाए हैं तो EWS खाता आपका जो है चल रहा है सिस्टम, तो आपका EWS भी 1 अप्रैल 2023 के अंदर का ही होना चाहिए, उधर का होगा तो आपका मान्य नहीं माना जाएगा और जनरल में सीट खाली होगी तभी आपको अलाट की जाएगी, नहीं तो सीट अलाट नहीं की जाएगी। आइए हम कमेंट देख लेते हैं, कमेंट में क्या इनका, देखिए कमेंट है 70% तक मिल सकता है कोई कॉलेज। देखिए कोई कॉलेज की बात करिए ही ना, गवर्नमेंट कॉलेज सभी हैं, तो सीटें लगभग जो हमने ऐड करके निकाला है तो सीटों की संख्या है 5,865, जहाँ तक हमको याद है, वीडियो हमने बताया भी है और ऐड भी किया है, वीडियो और हैं, वीडियो ज़्यादा वीडियो है नहीं, नया चैनल, पुराना वाला तो बैन हो गया यूट्यूब की तरफ से, 9,500 सब्सक्राइबर थे, लेकिन जो
आठ दस वीडियो इस चैनल पर बने हुए हैं, आप जाइए चैनल पर तो वहाँ से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 70% तक नहीं 40% हैं, फिर भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि पिछले साल सीटें खाली गई थी, इस बार तो सीटें बढ़ी हुई हैं, इस बार सीटें बढ़ी हुई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सर फॉर्म फिलअप हो गया है और फीस पेमेंट फेल हो रहा है, ऐसा 4-5 स्टूडेंट का कमेंट है, हो सकता है आपका भी ऐसा हो सकता है हुआ हो। तो फीस पेमेंट की देखिए कोई दिक्कत नहीं, अगर फीस पेमेंट नहीं हो रहा है, एक दो दिन तक नहीं हो रहा है, तो आप जो है इसको छोड़ दीजिए, आप दोबारा फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और वहाँ आपका फीस पेमेंट हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं कि आप वो फॉर्म पेमेंट करेंगे तभी फॉर्म मान्य माना जाएगा, तभी आपका फॉर्म जो है कंप्लीट माना जाएगा, अगर पेमेंट नहीं होगा तो फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। इनका भी देखिए सेम प्रॉब्लम है, तो फॉर्म दोबारा आप लोग अप्लाई कर दीजिए, कोई उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इसका वीडियो हमने प्रॉपर बनाया हुआ है, तो फॉर्म अपने फ़ोन से भी खुद अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही फॉर्म अप्लाई करने में तो वीडियो प्रॉपर देख लीजिए, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है फॉर्म अप्लाई करने में, और ज़्यादा उसमें दिमाग भी नहीं लगाना है, खुद अप्लाई कर लीजिए। अगर आपको अब भी डाउट्स है फॉर्म अप्लाई करने में तो फिर भी आप जो है डायरेक्ट हमसे इंस्टाग्राम पे अपना डॉक्यूमेंट दे दीजिए, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। जो है सर बीएससी कर रहे हैं स्कॉलरशिप उसमें भर दिया है, देखिए जो स्टूडेंट मान लीजिए आप बीएससी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कोई डिग्री ले रहे हैं, उस टाइम दूसरी डिग्री लेना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट दोनों है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको स्कॉलरशिप एक ही यहाँ से मिलेगी। अगर आप वहाँ पे स्कॉलरशिप ले लिए हैं तो यहाँ पे आप स्कॉलरशिप नहीं भर पाएंगे, लेकिन अगर आपका स्कॉलरशिप जो है थोड़ा एक दो साल का गैप है, बीएससी आप पहले किए हुए हैं इसके बाद एक दो साल बाद इसको करना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप आ जाती। मेनली काम होता है रजिस्ट्रेशन का, अगर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता, जैसे ही आप स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ पर पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर अपने आप आ जाता, क्योंकि आधार लिंक का मामला चल रहा है जब से हुआ 2021 से शायद आधार लिंक से अब होता है सिस्टम, तो आधार लिंक से है तो आपकी पुरानी आईडी ही आ जाएगी, पुराना रजिस्ट्रेशन आ जाएगा जो है, तो स्कॉलरशिप का नया नहीं कर सकते हैं। अगर पुराना आ जाता है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, आप रजिस्ट्रेशन करिएगा जब स्कॉलरशिप का आएगा, अगर नहीं आता है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी जो भी कैंडिडेट होगा कुछ भी कर रहा होगा। और अगर आप का लास्ट ईयर है मान लीजिए, या एक दो साल बीएससी मान लीजिए 3 साल होता है, तो आप सेकंड ईयर में हैं, आप थर्ड ईयर में सोच रहे हैं कि इसका फर्स्ट ईयर हो जाए, वहाँ पे जो है हमारा थर्ड ईयर हो जाए, फिर भी आपका हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आराम से उस वो भी एग्ज़ाम दे दीजिएगा जब होगा, और ये भी जब एग्ज़ाम होगा यहाँ तो आपको रेगुलर क्लास करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट में आपको ही पता होगा 75% अटेंडेंस कंपलसरी हो जाता है, तो आपको जो है क्लास करना ही होगा 75% के लिए, यहाँ पर कोई इशू नहीं है, आप दो कोर्स आराम से कर सकते हैं। बस हाँ ये इन्फॉर्मेशन आप और किसी से ना बताने लगे कि हम ऐसा कर रहे हैं, और वो तो मना ही कर देंगे, कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो लेकिन हम बता रहे हैं कर सकते हैं, हमारे ऊपर आप विश्वास रखिए। सर आई डू नॉट हैव एनी निवास प्रमाण पत्र, सो कैसे फॉर्म फिल होगा? आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो कुछ भी लगा दीजिए, आपके पास पुराना हो निवास प्रमाण पत्र है वही लगा दीजिए। अगर आप हाई स्कूल इंटर से उत्तीर्ण हैं यूपी से तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, दो कंडीशन हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सर फॉर्म फिलअप हो गया है हमारा, फीस पेमेंट देखिए उनका भी यही इशू है, सेम इशू वगैरह है इन लोग का भी। भैया मेरा 11th और 12th मिला के 117 है, 117 बोले तो लगभग 2×5=10, 2×6=12, लगभग इनका 55%, 54%, 55%, 56% का प्रॉक्स आएगा। तो ये पूछ रहे हैं कि हमको सेकंड राउंड में कोई कोर्स मिल सकता है क्या एससी कैटेगरी? देखिए आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपको ठीक कोर्स अच्छा मिल जाएगा, लेकिन यहीं अगर जनरल कैटेगरीज होता, ओबीसी कैटेगरीज होता, उसको भी अच्छा कोर्स मिल जाता, उसको भी ठीक ठाक कोर्स मिल जाता। हमने बार बार बता के रखा आपको वीडियो में, पिछले साल सीटें खाली गई थी, आपको बहुत से यूट्यूबर बता रहे हैं सीटें आपको नहीं मिलेंगी, इतने परसेंट तक ही मिलेंगी, जिनका 70% होगा ओबीसी में उनको ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, उनके ऊपर आप बिल्कुल भरोसा ना करिए। हमारा वीडियो यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप भी यहीं पे हैं, अगर आपका एडमिशन नहीं होता 50% है 45% है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जब आपका एडमिशन नहीं होगा काउंसलिंग में, सर हमको कॉलेज नहीं मिल रहा है क्या करें, आप बता रहे थे कि इतने नंबर पे एडमिशन हो जाएगा, 40% है 45% एडमिशन हो जाएगा, 70% है और नहीं हो रहा है, तो हम भी यहीं हैं और आप भी यहीं हैं, तो कमेंट करिएगा अगर आपका एडमिशन नहीं होगा, कोई कोर्स आपको नहीं मिलेगा 45% 50% आपके इंटरमीडिएट हाई स्कूल को ऐड करके हैं। सर डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, देखिए डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, करेक्शन विंडो ओपन होगी, जब भी करेक्शन विंडो ओपन होगी, करेक्शन विंडो हमको लगता है 27 को फॉर्म खत्म हो रहा है तो 28-29 को करेक्शन विंडो ओपन होगी, 29-30 को, 28-29 को नहीं हुई तो 29-30 को, दो दिन करेक्शन विंडो ओपन होगी तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। करेक्शन विंडो में जो भी आप गलतियाँ किए हुए हैं फोटो में, बहुत लोग नेम वगैरह मेंशन नहीं किए हुए कई बार बताते हुए,
और डॉक्यूमेंट वगैरह गलत अपलोड हो गए, ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं। करेक्शन विंडो ओपन होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन हम तुरंत दे देंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपके डाउट्स भी सॉल्व हुए होंगे। अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करिए और प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।